रही है, लेकिन योगेश्वर दत्त की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि आप सोनीपत से चर्चाएं काफी तेज है। कांग्रेस अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है प्रदेश में इस बार, हालांकि पहले लोकसभा चुनाव है, किससे मुकाबला मानते हैं आप प्रदेश में? सर आप तैयार है चुनाव लड़ने? देखिए पार्टी दो भी जिम्मेवार देगी उसके लिए हम तैयार है, पहले तैयार तो दो चुनाव में। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त जी बने हुए हैं और आइए सीधा उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से सरगर्मियां तेज है, बीजेपी अब लगातार जो है फील्ड में उतरती हुई नजर आ रही है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव लोकसभा के नजदीक है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, चर्चाएं हैं कि इस बार आप लोकसभा के दावा ठोक सकते हैं। सभी को नमस्कार। देखिए सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का एक लक्ष्य है कि तीसरी बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और सभी का एक लक्ष्य है कि कोई भी उम्मीदवार आए कमल 10 की 10 सीटों पर हरियाणा से कमल खिलाना है। और जैसे पिछले 2019% बहुमत से भारतीय जनता पार्टी विजय हुई थी, इस बार भी ऐसे ही विजय होंगे और प्रधानमंत्री जी को यहाँ से और मजबूत करके भेजेंगे। उसके बाद विधानसभा चुनाव है, तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी शपथ लेंगे। तो एक ही लक्ष्य है कि डबल इंजन सरकार जो फिलहाल चल रही है ये लगातार ऐसे ही चलती रहे, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा बुलंद किया है, तो तीसरी बार वो प्रधानमंत्री जी की शपथ लेके और फिर से एक नए कीर्तिमान स्थापित करें। चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे दातें सत्री बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, अलग एक जो भी उन्होंने कार्य किया वो मील का पत्थर साबित हुए हिंदुस्तान के लिए और आने वाला भविष्य हिंदुस्तान के लिए बड़ा जोर। सर लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, तीसरी बार जो है प्रदेश में एक बार फिर से मनोहर सरकार की बात की, लेकिन योगेश्वर दत्त की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि आप सोनीपत से चर्चाएं काफी तेज है इस समय? देखिए ये पूरा काम संगठन का है, शीर्ष नेतृत्व का है, हम जो कार्यकर्ता हैं जो जिम्मेवारी मिलेगी पार्टी की वही करेंगे। इसमें किसी का ये नहीं है कि भाई कौन आएगा कौन नहीं आएगा, अभी तो सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा हूँ मैं। 2019 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, हरियाणा पुलिस में DSP था मैं, और हमारा एक लक्ष्य है कि सबसे पहले देश, जो देश के इतने उद्देश्य के लिए सब हम उसी विचारों के साथ हम चले थे, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन की थी। अब जो भी संगठन जिम्मेवारी देगा वो जिम्मेवारी हम निभाएंगे। कांग्रेस अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है प्रदेश में इस बार, हालांकि पहले लोकसभा चुनाव है, किससे मुकाबला मानते हैं आप प्रदेश और केंद्र में? इसे किसी से भी नहीं है, तो लोगों ने प्रधानमंत्री से सुना है कामों की वजह से, 2014 के बाद पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री, उसके बाद 14 के बाद लगातार 10वां साल चल रहा है, अभी चुनाव अगले महीने में डिक्लेयर हो जाएंगे, तो लोगों ने काम देखा है और देश के लिए क्या अच्छा है, देश के लिए कौन आगे बढ़ के काम करता है, उसके आधार से लोग वोट करते हैं। तो कांग्रेस खुद कहीं भी मैदान में है, कांग्रेस के तो आपसी वो बोलते हैं कि कांग्रेस के अंदर गगरा उछला हुआ है, उन्हें खुद नहीं पता कि क्या करना क्या नहीं करना। उनके जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो खुद बोलते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी इस बार 300 पार का जो नारा दे रही है वो उसमें सफल होगी। तो हमारा ये है कि हमें बस देश के लिए कुछ सस्ता करना है, और सभी जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं जो देश से प्रेम करते हैं तो उनका विश्वास प्रधानमंत्री जी में है, और वो इस बार तीसरी बार फिर से उनको प्रश्न बहुमत से जीता के भेजेंगे संसद में। आखिरी सवाल सर, आप तैयार है चुनाव लड़ने के? देखिए पार्टी दो भी जिम्मेवारी देगी उसके लिए हम तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, दो चुनाव में मेरे को भारतीय जनता पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने संगठन ने दो चुनाव मेरे को पहले ही लड़ाए हैं, तो जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसके लिए हम तैयार हैं, पर पूरा फैसला है जो हमारा हाईकमान करेगा। हम ये है कि हम एक परिवार भारतीय जनता परिवार का हिस्सा हूँ मैं, और एक इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो देश के लिए, देश मजबूत हो। तो इतने हमारे साथ योगेश्वर दत्त जी, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर पार्टी उन्हें एक बार फिर से मौका देगी तो फिर से वह चुनाव के लिए तैयार है। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल सिंह।